वक्त रहते अगर मरीज खुद को टटोल ले और सजग हो जाए तो कोरोना के खतरों को टाला जा सकता है। पर ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि फेफड़ों तक वायरस के रेंगने के बाद ही लोग अस्पताल पहुंचते हैं, नतीजा उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट में रखना पड़ता है। ऐसे गंभीर मरीज के करीब जाने से हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि जान की परवाह हर किसी को है। यह सुखद संकेत है कि डॉक्टरों के हिम्मत जुटाने पर उनके अन्य सहयोगी इनवेसिव वेंटिलेशन में मदद को आगे आ रहे हैं। इसके रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। रिम्स हो या सदर, अब कोरोना पीड़ित मरीजों के मरने का ग्राफ नीचे आ गया है। फर्क सिर्फ यह है कि अब चिकित्सा कार्य में जुटे लोग खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। आइए सुनते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन अजीत कुमार और राजकुमार क्या बता गए। हम श्वास की नली में एक ट्यूब डालते हैं जिसको इंट्यूबेशन कहते हैं, और वो ट्यूब हम लोग वेंटिलेटर मशीन से जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर मशीन डालेगा फेफड़े में, वो सीधे फेफड़े को मिलता है, क्योंकि वो पाइप सीधे हमारे यहाँ तक आ जाती है। तो वो डायरेक्ट वेंटिलेशन का अच्छा तरीका है। और जो भी मरीज गंभीर रूप से बीमार होते हैं, जिनका NIV और बाकी बाईपैप और FNAC इन सब से काम नहीं चल पाता है, उनको हम लोग इनवेसिव वेंटिलेटर पे डालते हैं। ये थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है। देखिए, नॉर्मल डेज में जो वेंटिलेटर पे डाले जाते थे और कोविड टाइम में जो डाले जा रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। कोविड में इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेंटिलेटर का सक्सेस रेट नहीं मान सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी वेंटिलेटर पे भी डालने के बाद बहुत सारे मरीज बच के जा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। रिम्स में भी बच के जा रहे हैं, और हमारे यहाँ कल तक NIV पे डाले जाते थे, कल से हम लोगों ने शुरू किया है इनवेसिव वेंटिलेशन। आज भी एक मरीज को इनवेसिव वेंटिलेशन पे रखा गया था, तो इसलिए अब उसका रिजल्ट हम लोग सदर का अब देखेंगे। हाँ, ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वेंटिलेटर पे डालने के लिए ट्यूब डालना एक प्रोसेस है, और नॉर्मली ये आम दिनों में ये काम बहुत मुश्किल भरा नहीं होता है, क्योंकि आप उसमें लैरिंगोस्कोप लेते हैं, देखते हैं, और उसके बाद एयरवे में ट्यूब डाल देते हैं। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, जैसे ही आप मरीज का मुंह खोलते हैं तो सीधे उसका मुंह का जो भी ब्रीदिंग में एयर है वो आपको आप एक्सपोज हो जाते हैं, तो आपको खतरा बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फेक्ट होने का। इसलिए लोग थोड़ा डरते हैं, इनफैक्ट सच्चाई यही है कि डरते हैं, क्योंकि हर कोई अपने जान से प्यार करता है। लेकिन फिर भी हमारा ऐसा पेशा है कि हम अपने जान पे खेल के मरीजों की जान बचाने के लिए ये रिस्क उठा रहे हैं। वेंटिलेटर को चलाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमें सपोर्ट के लिए उसका ABG चाहिए होता है, ताकि हम उसका ब्लड गैस देख सकें कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या हो पा रहा है, ब्लड में CO2 वास आउट क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लैक्टेट हैं, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें देखना होता है, और इन सब को देखते हुए वेंटिलेटर को सेटअप किया जाता है। कोहराम लाइव के लिए राजेश सिंह के साथ आरती गुप्ता की रिपोर्ट।